बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पवार, आज आपको मैं एक ब्लैक हेयर डाई के बारे में बताऊंगी। इसे आप किसी भी उम्र में यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है उनके लिए बहुत अच्छी है, और जिन लोगों के बालों में बिल्कुल भी कलर नहीं आता उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। और इसे आपको आप इसे शैम्पू से पहले लगा लेंगे 15 से 20 मिनट, तो आपके बालों में बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर आएगा। उसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं रेडिको का जो मार्केट वाला कलर होता है वो यूज करूंगी। अगर आपके पास रेडिको का कलर नहीं है तो आप जो आजकल पतंजलि की ब्लैक हर्बल हिना चल रही है आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आप गांधी आश्रम वाली हिना भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ब्लैक वाली हिना ले लीजिए, अपने बालों के अकॉर्डिंग जो भी आपको सूट करती है। तो मैं आज रेडिको का कलर है वो यूज करूंगी इसलिए। और इसके साथ मैं क्या करूंगी, क्योंकि हमें जेल का टेक्सचर देना है इसे, तो इसके लिए हम अलसी का यूज करेंगे। अलसी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, तो इसमें आज जेल बनाने के अलसी का यूज करेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं आंवला का जो पाउडर है वो लूंगी। तो आंवला का पाउडर इसलिए क्योंकि एक जैसे आप बहुत लोग कमेंट करेंगे फिर अरे ये तो केमिकल वाली डाई है, तो उसे और अच्छा नेचुरल बनाने के लिए हम इसमें आंवला का पाउडर यूज करेंगे, जिससे कि हमारी जो डाई है उसमें जो भी केमिकल है उसका इफेक्ट हमारे बालों पर ना हो, हमारे बाल बिल्कुल भी टूटे झड़े ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे बनाने के लिए हम अलसी को और जो हमने आंवला पाउडर लिया है 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच आंवला पाउडर, दोनों चीजों को हम लगभग आधा गिलास पानी में अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि हमारा जेल तैयार हो जाए पहले, क्योंकि फिर उसे हम और अच्छे तरीके से यूज कर सके। तो इसलिए हम 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच आंवला का जो पाउडर है उसका जेल बनाएंगे। वो मैंने पहले से पकने के लिए रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत गर्म है अभी ये, तो मैंने इसे पहले से पकने के लिए रखा हुआ था। आपको 1 चम्मच अलसी और 1 चम्मच आंवला का जो पाउडर है उसका जेल बनाना है। तो उसे आप आयरन की कढ़ाई में थोड़ी देर कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख दीजिएगा। ये अभी बहुत गर्म है क्योंकि मैंने इसे अभी पकने के लिए रखा हुआ था। तो सबसे पहले आपको जेल बनाना है आंवला और अलसी का, दोनों चीज़ों को आप बराबर मात्रा में लेकर आधा गिलास पानी में उसका जेल बना लें। तो अब उसके लिए हम बनाना शुरू करते हैं कलर। तो हम एक कांच का बाउल लेंगे, उसके लिए छन्नी का यूज करेंगे क्योंकि हमें जेल बनाना है तो हम इसे छानेंगे। अभी मैंने कांच का बाउल ले लिया है, इसमें मैं इसे छानूंगी। जितना हमें जरूरी है इसे छानने के लिए वो हम इसे छान लेंगे कटोरी में। इसे ठंडा नहीं करना, आपको गरम गरम इसे छानना है, क्योंकि फिर क्या होगा आप इसे बनाकर रख देंगे तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा और ये बहुत अच्छा गाढ़ा जेल बन जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा अलसी का बहुत गाढ़ा जेल बन जाता है। इसलिए अभी देखिए मैंने 4 चम्मच के करीब मैंने ये ले लिया है और इसे मैं छान लूंगी गरम गरम को। जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा ये एकदम छन्ना बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है अलसी। ये देखिए अब इसे मैंने गरम गरम को ही छान लिया है और जैसे जैसे ठंडा होगा ये जेल फॉर्म में होना शुरू हो जाएगा। देखिए जेल बनना शुरू हो गया है इसका, क्योंकि अलसी बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी होकर बहुत ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। इसलिए अब इसे बनाने के लिए देखिए मैंने 4 चम्मच ये मैंने जो अलसी का जेल था वो ले लिया है। अब इसमें हम जो रेडिको का कलर है वो डालेंगे। अभी देखिए 4 चम्मच अलसी का जेल लिया है मैंने, जो मैंने आंवला के साथ पकाया था। अब इसमें मैं जो रेडिको का कलर है वो डालूंगी। ये बहुत ही हर्बल कलर होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता इसका बालों पर। ये ब्लैक हिना की तरह ही यूज होता है, जिन लोगों के बालों में कलर नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये। तो अब इसमें मैं रेडिको का कलर है वो डाल दूंगी। ये लगभग 1 चम्मच के करीब मेरा रेडिको का कलर था जो मैंने इसमें डाल दिया है, और ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा जेल बनेगा। जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेक्सचर बालों में बहुत अच्छा आएगा, बहुत ही ब्लैक कलर आएगा इसका बालों में। तो जिन लोगों के बालों में बिल्कुल भी डाई का कलर नहीं आता वो इसे सर्दियों में यूज कर सकते हैं, गर्मियों में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। और शैम्पू से बस सिर्फ आपको 10 मिनट या 15 मिनट पहले से लगाना है, ये बालों को बिल्कुल ब्लैक बना देगा। हर उम्र के लोग इसे यूज कर सकते हैं, 50 साल की उम्र में भी अगर आप इस रेडिको के कलर को इस जेल की तरह लगाएंगे तो आपके बालों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बाल बिल्कुल भी टूटे झड़ेंगे नहीं, बालों को बहुत ही ब्लैक कलर देगा और बहुत अच्छा कलर आएगा इसका बालों में। तो आप इसे जेल को बनाइएगा, यूज कीजिएगा। कैसा लगा मेरे साथ जरूर शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।